खतौली की हार का विश्लेषण कर लिया होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपने अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द किसानों की लाभकारी मूल्य घोषित करें। देखिए, सरकार ने पूरी ताकत झोंकी और खतौली में बड़े मंत्रियों को भेजा, पार्टी के बड़े वरिष्ठ जो उनके पदाधिकारी हैं वो सब वहाँ कैंप किए, खुद मुख्यमंत्री जी वहाँ आए दौरे पे, और उन्होंने जब वोट की अपील की तो उन्होंने मुख्य तौर पर अपने चुनाव अभियान में जिक्र किया था दंगों का, जिक्र किया था कैराने का, और लॉ एंड ऑर्डर पे अपनी उपलब्धियां गिनाकर लोगों से वोट मांगी थी। अब इसकी तुलना में जब हम गए प्रचार में गांव-गांव में, आपने देखा होगा सार्वजनिक तौर पर मैंने कहा, अगर आप गन्ने का अच्छा भाव चाहते हो तो विपक्ष को मजबूत कीजिए। तो यानी जब नतीजा खुला है, 22,000 की इतनी बड़ी मार्जिन से हमारी जीत दर्ज हुई है, तो जनमत का भी एहसास सरकार को हो जाना चाहिए किस मुद्दे पे सरकार के खिलाफ लोगों ने वोट किया है। जो सरकार अभी 4.5 साल रहनी है, जो सरकार बदलनी नहीं है, लेकिन उस सरकार को एहसास दिलाने के लिए जनता ने हमारे पक्ष में वोट किया कि गन्ने का भाव घोषित होना चाहिए। तो इसलिए मैंने उस मांग को दोहराया है कि लाभकारी मूल्य किसानों को दे सरकार। लेकिन जी जी, जब जब मुख्यमंत्री किसी रोड शो में जाते हैं, जनसभा में, वो बार बार बोलते हैं कि गन्ना किसानों का हमने बकाया दे दिया, गन्ना विकास मंत्री भी यही बात बोलते हैं। अभी तक तो सत्र चल रहा है, 1 महीना से मिल चल रही है और कोई भाव घोषित ही नहीं है, तो बकाया कहाँ से मिल जाएगा? अभी तो आपने किसानों का हक मार रखा है। कोई किसान कोर्ट में भी जाएगा, मांग करेगा कि उसका 14 दिन बाद भुगतान होना चाहिए था, उसका ब्याज उसका हक है, तो कोर्ट में ये सारे मिल मालिक यही दलील देंगे कि जब कोई भाव ही घोषित सरकार ने नहीं किया, तो जो सरकार की जिम्मेदारी है वो तो करे। और ये कह देना कि हमने इतना भुगतान किया, ये आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे किसान की लागत बढ़ रही है तो उसका मूल्य भी बढ़ना चाहिए। सुरेश राणा जी हार गए, आपको पता है, गन्ना किसान के मंत्री थे, सुरेश जी हार गए, और अभी ये जो बड़ी जीत हमने दर्ज की है, ये बहुत एक सरकार के लिए बहुत बड़ी हार है। कोई समझता नहीं है कि बाय इलेक्शन सरकार हार सकती है, तो ये बीजेपी की सीट अगर हमने ली है, जनता ने हमें दी है, तो इस विश्वास के साथ दी है कि जनता को कुछ लाभ मिलेगा, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष में हम भले बैठे हों, विपक्ष की आवाज भी सुननी जानी चाहिए। कल अपने जीरो आवर में लखीमपुर खीरी के किसानों और पीड़ित परिवारों के वादा खिलाफी के खिलाफ आपने बोला था, क्या खास था? 10-10 लाख रुपए घायल किसानों को ये सरकार देने को तैयार नहीं। 1 साल होने के बाद 4 मृतक किसानों के घर में 4 सरकारी नौकरी योगी जी नहीं दे सकते, जिन परिवारों के साथ देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसे 4 परिवारों का भी ख्याल योगी जी नहीं रख सकते? इतना बड़ा दिल है सरकार का? तो इस सत्य को रखने का मौका मुझे कल सदन में मिला। आपने देखा बीजेपी के मेंबर्स को ऐसा लगा, खुजली सी लगी, व्यवधान उन्होंने किया, ये तो बात उनको भी सुननी चाहिए थी। उन्हीं के मुख्यमंत्री का जवाब मैं वहां दोहरा रहा था, जो विधानसभा के रिकॉर्ड में है कि मुख्यमंत्री ने इस बात को कबूला है, स्वीकारा है कि 1 साल बाद भी 13 लोगों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा, जो घायल हुए, 4 मृतक किसानों को आप 4 नौकरी नहीं दे पाए, तो इस सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है और सरकार को अब जाग जाना चाहिए। रामपुर हार के बाद आप बहुत आहत हैं, आपने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा गया। बिल्कुल, ऐसे चुनाव नहीं होते। अब ये आंकड़े धीमे धीमे सामने आ रहे हैं कि जीत कैसे दर्ज हुई, कि जो मजबूत क्षेत्र थे, जो हमेशा साथ रहे, उनको दबाया गया। जहाँ माइनॉरिटी सेगमेंट्स हैं वहाँ पुलिस की तैनाती ज़्यादा थी, सारे सेंसिटिव बूथ रखे गए, फोर्स के बड़े बड़े अधिकारियों ने खुलेआम वोटरों को धमकाने का काम किया, डराने का काम किया, वापस भेजने का काम किया, जो अपना वोट डालना चाहते थे उनको रोका गया। तो ऐसे तो जनमत का जो है आप समझ नहीं पाएंगे कि जनता की भावना क्या है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। कार्यकर्ता नेता आपसे मिलने आए हैं दिल्ली, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है, वर्कर्स के बीच में अच्छा, अपने सारे लोग हैं, और इनका बड़ी भूमिका इनकी रही कि लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जमीनी काम किया, और साथ में गठबंधन के सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं ने भी इनके साथ कदम मिलाकर काम किया, तभी हम जीत पाए। एक अंतिम सवाल, चाचा शिवपाल और अखिलेश अब एक हो गए हैं, 2024 की रणनीति, साथ रहेंगे आप समाजवादी पार्टी के साथ? नहीं, हम तो साथ रहेंगे, और खुशी की बात है जब परिवार में एका होगा तो अच्छे फैसले होंगे, और जब चुनौती की घड़ी होती है तो घर के बड़े लोग साथ आते हैं। उसी तरह से, उसी अंदाज में मुलायम सिंह जी के जाने के बाद जो एक वैक्यूम है उसे दूर करने के लिए अब शिवपाल जी साथ आए हैं, तो हमें भी खुशी है और हमें भी इस बात का लाभ मिला है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।